एक आदमी घर लौट रहा था, तभी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और रात काफी थी। एकदम घना अंधेरा था और मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था और उसकी हवा खराब, ना तो कोई आगे ना दूर दूर तक कोई पीछे। और उसने गाड़ी साइड में लगा दी। अब लिफ्ट के लिए किसी गाड़ी का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद एक गाड़ी बहुत धीमी धीमी उनकी ओर बढ़ रही थी, तभी उसकी जान में जान आई और उसने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर उसके पास आई, तभी उसने गेट खोला, झट से अंदर घुस गया, लेकिन अंदर बैठ कर उसके होश उड़ गए। तभी गला सूखने लगा, आंखें खुली की खुली रह गई, छाती धड़क लगी। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है, गाड़ी अपने आप चल रही थी। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से यह खौफनाक दृश्य, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, बाहर जाऊं कि अंदर रहूं। वो कोई फैसला करता कि सामने रास्ते पर एक मोड़ आ गई, तभी दो हाथ उनके बगल वाले कांच पर पड़े और गाड़ी मुड़ गई और फिर हाथ गायब। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हनुमान चालीसा शुरू कर दी और अंदर रहने में ही भलाई समझी। गाड़ी धीरे धीरे रुक रुक कर आगे बढ़ती रही, तभी सामने पेट्रोल पंप नजर आया और गाड़ी वहां जाकर रुक गई। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी से तुरंत उतर गया, पानी पिया। इतने में उसने देखा एक आदमी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए जा रहा था। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और उससे कहा, इस गाड़ी में मत बैठो, मैं इसी गाड़ी में बैठकर आया हूँ, इसमें भूत है। उस आदमी ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, अवे साले तू बैठा कब रे इसमें, तभी मैं सोचूं गाड़ी एकदम से भारी कैसे हो गई। यह मेरी गाड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया था तो 5 किलोमीटर से धक्का मारते हुए ला रहा।